और अब लगातार एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं और कयास लगाने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 26 सीटें मिलने की बात की जा रही है, कांग्रेस 0 पर सिमटेगी और आपको 44 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ भाजपा प्लस जो है उसको 26 सीटें, आम आदमी पार्टी को 44 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें। कहा यह जा सकता है कि अब तक के जो ये महा एग्जिट पोल हैं इसके मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल तो बनेंगे लेकिन 2015 के मुकाबले में अच्छी खासी पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, जरूर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाई है अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो। और कांग्रेस की अगर बात करें, जैसा कि खुद दिखाई दे रहा था, कांग्रेस तो अभी भी 0 पर ही दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसा 2015 में नतीजा रहा था। कांग्रेस ज्यों की त्यों बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जरूर तरक्की की है। अगर टाइम्स नाउ का ये एग्जिट पोल ये सही साबित होता है तो 26 प्लस सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर अब्बास मेहंदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो लगातार इस असेंबली इलेक्शन पर नजर बनाए हुए थे, उनसे जानेंगे कि क्या अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या कुछ बदलाव जो है वो दिल्ली में दिखाई देगा। जी हाँ, देखिए अभी तो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं शफान जी, एक्चुअल नतीजे तो 11 तारीख को आने हैं लेकिन ये दिल्ली की जो तस्वीर थी, अगर आपने देखा होगा ग्राउंड पर, ज़मीनी सतह पर लोगों से आपने मुलाकात की होगी, लोगों से आप मिले होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग ये इस बात को लेकर यकीन रखते थे कि अब मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, फ़िरका परस्ती के नाम पर अब लोगों का मिजाज अब बदल रहा है। लोग अब तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अच्छी तालीम चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी चाहते हैं, जो तमाम चीज़ें केजरीवाल सरकार ने इन 5 सालों में करके दिखाई हैं। आवाम उनसे केजरीवाल के कामों से खुश थे लेकिन जो अभी नतीजे हैं उसमें जाहिर तौर पर जो नतीजे हैं यकीनी तौर पर उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक, और कांग्रेस के जो रुझान, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं कांग्रेस, वो तय माना जा रहा था क्योंकि कांग्रेस में शीला दीक्षित के बाद पूरी तरह से गुटबाजी थी और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई एक सीएम कैंडिडेट उन्होंने नहीं किया था। बीजेपी के पास भी ये था लेकिन ये था कि बैकडोर से ये कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी ही सीएम होंगे, तो चेहरे की बहुत बड़ी किल्लत थी दिल्ली में और ये पूरा जो दिल्ली इंतखाब था इसका महवर व मरकज अगर आप देखेंगे तो चेहरा सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास था और वो चेहरा छोटा मोटा चेहरा नहीं था, केजरीवाल जैसा चेहरा था, साफ सुथरी तस्वीर और किरदार वाला चेहरा था। तो लोगों ने, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं तो ये तय माना जा रहा है कि लोगों ने अब तरक्की पसंद जो सरकार है और पार्टी है उसको चुना है। ठीक है, लेकिन जो भाजपा को बढ़त मिल रही है उसके लिए क्या कह सकते हैं कि जो राम मंदिर का जो हुसूलियाबी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको गिनाया, उन्होंने कहा कि देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, उसका नतीजा ये हुआ कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है, क्या इसका असर दिल्ली के वोटर पर पड़ा है? नहीं, देखिए जो हिंदुस्तान की सियासत का मिजाज ये है कि जो सूबाई सियासत होती है वो इलाके की सियासत पर मुनहसर होती है और राम मंदिर का जो मसला है वो कौमी मसला है, वो राष्ट्र का मसला है, पूरे देश का मसला है और वो करके दिखाया है मोदी सरकार ने, मोदी सरकार केंद्र में है तो उसका असर इलाकाई उस पर पड़े, ये थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं इसको बीजेपी ने इसको कैश नहीं किया और बीजेपी की तहरीक भी उस तरह से नहीं थी। लास्ट मोमेंट पर प्राइम मिनिस्टर ने भी रैली की, अमित शाह ने भी रैली की, तमाम जो मरकजी वजीर हैं उन्होंने भी रैली की लेकिन कोई एक चेहरा नहीं होने की वजह से इसकी किल्लत रही। और जो मंदिर का मसला है वो केंद्र सरकार का मसला है, मरकजी हुकूमत का मसला है, तो दिल्ली में वो फैक्टर नहीं काम करता हुआ दिखाई दे रहा है इन एग्जिट पोल के नतीजों से।